हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आम का सीजन है और आम तो सबको पसंद होता है, बट मार्केट से हम जो आम लाते हैं वो ऑर्गेनिक नहीं होते और कई बार इसे खाने से हेल्थ का नुकसान भी हो जाता है। तो आज हम आपको एक बहुत ही यूजफुल टिप्स बताएंगे, आम को घर पर पकाने का सबसे आसान तरीका। आप आम को घर पर ही ऑर्गेनिक वे में पका सकते हैं। अगर आप कार्बाइड या किसी और केमिकल से आम पकाते हैं तो हेल्थ के लिए वो सही नहीं होता और उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, कई बार तो ये जल्दी खराब भी हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि घर पर ये बिना केमिकल के आम कैसे पकाएं। तो सबसे पहले हम कच्चे आम को पानी से धोकर रख लेंगे। एक ऐसा कोई भी बर्तन ले लेंगे और उसमें थोड़ा पानी डाल लेंगे। फिर उसमें हम एक चम्मच हल्दी पाउडर डालकर उसे पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्दी का घोल बना लेने के बाद हम सारे आम एक एक करके उसमें डालकर धो लेंगे। हल्दी की वजह से आम का कलर बहुत अच्छा आ जाता है। अब इसे हल्दी वाले पानी से निकालकर इसका पानी सुखा लेंगे। इसके लिए इसे एक कपड़े के ऊपर रख देंगे और 2-3 घंटे के लिए आप फैन के नीचे इसे छोड़ दें। जब आम का पानी काफी अच्छे से सूख जाए तो हमें चाहिए थोड़े से न्यूज़पेपर। देख ले कि आम में जरा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। अब इस तरह से हम न्यूज़पेपर रख लेंगे और फिर उस पर आम रख देंगे। इसके बीच बीच में हम प्याज डाल देंगे। प्याज गर्म होता है, इससे आम जल्दी पक जाते हैं। अब इसे ऊपर से भी न्यूज़पेपर के 3-4 लेयर से अच्छे से कवर कर देंगे। और अगर आम और भी है तो फिर हम इसे 2 लेयर में कर देंगे। सेम प्रोसेस करते हुए पहले न्यूज़पेपर रख देंगे, फिर उस पर एक एक करके सारे आम रख देंगे और फिर उसमें प्याज रख देंगे और इसे भी काफी अच्छे से कवर कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी रेसिपीज के लिए हमारा चैनल जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर इसे ऊपर से किसी भी साफ कपड़े से अच्छे से ढक देंगे। इसे आप 2-3 दिन में चेक कर सकते हैं, ये जल्दी पक जाते हैं। तो देखिए, ये मैंगोस तो खाने के लिए तैयार है। आप इसे बीच में एक बार चेक कर सकते हैं और अगर आम नहीं पकते हैं तो 1 दिन के लिए और इसे छोड़ दें। बस ये घर पर ही ऑर्गेनिक तरीके से आम तैयार है। अब आम तैयार है तो इसे खा भी लेते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस सीजन इस किचन हैक को ट्राई करें और अगर ये टिप्स आपको हेल्पफुल लगे तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। So thank you for watching my channel. Please like and subscribe my channel for more updates.